गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि इसी मामले में एक अन्य आरोपी सोनू यादव को 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। साल 2010 में करंडा थाने में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मोहम्मदाबाद में मीर हसन पर जानलेवा हमले के मामले में गैंग चार्ट बनाकर गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया गया था, जिस पर काफ़ी दिनों से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। वहीं एक दिन पूर्व एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया था और सजा के लिए आज की तारीख नियत की गई थी। मुख्तार अंसारी और उनके साथी सोनू यादव के विरुद्ध सन 2010 में अपराध संख्या 482/2010 थाना करंडा में पंजीकृत हुआ था और उसी मुकदमे में 26/10/2023 को कल निर्णय उद्घोषित करते हुए दोनों अभियुक्तगण को दोषी घोषित किया गया था और आज सजा के प्रश्न पर बहस होनी थी। और सजा के प्रश्न पर अभियोजन की ओर से अभियुक्त मुख्तार अंसारी को अब तक हुए 5 सजाओं का उल्लेख करते हुए एक बयान अल्पी थाना करंडा के द्वारा प्रस्तुत किया गया और यह मांग की गई कि अभियुक्तगण का जो इस तरह का आपराधिक इतिहास है उसको ध्यान में रखते हुए इनको अधिक से अधिक सजा दी जाए। और अभियुक्तगण की ओर से और उनके अधिवक्ता की ओर से भी उनकी उम्र का और उनको बीमारी का हवाला देते हुए कम से कम सजा के लिए निवेदन किया गया था। माननीय न्यायालय ने बहस सुनने के बाद जो आदेश निर्णय आदेश पारित किया है उसमें अभियुक्त मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 लाख के अर्थदंड से तथा सोनू यादव को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इस दौरान मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे और सोनू यादव कल ही हिरासत में ले लिया गया था, वो हिरासत में। मुख्तार अंसारी ने कुछ कहा इस दौरान? मुख्तार अंसारी ने जैसे अपनी वही अपनी बीमारी और इसका उल्लेख करते हुए कम से कम सजा की निवेदन किया था। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय के भतीजे आनंद राय मुन्ना ने भी खुशी का इजहार किया है। आज गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी को 10 साल की सजा हुई है। मैं एमपी एमएलए कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे अपराधियों को ऐसे ही जघन्य सजा दी जानी चाहिए और आगे आने वाले अन्य मामलों में भी इसे कड़ी सी सजा मिलेगी और इस सारे सजा का श्रेय मैं माननीय महाराज जी को देना चाहूँगा। उनके कार्यकाल में उनके राजपाट में ऐसे अपराधियों कहाँ से ऐसा ही हो रहा है।